टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थीं, उन पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से टीम इंडिया के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेले हैं, जिसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं कि अब शायद धोनी मैदान पर नजर नहीं आएंगे। बता दें आपको कि गुरुवार को जब बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, उस दौरान चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया कि वो धोनी से परे सोच रहे हैं। चयनकर्ताओं का कहना था कि वो अब ऋषभ पंत पर फोकस कर रहे हैं। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस हो या ना हो, महेंद्र सिंह धोनी अब टीम में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ रवि शास्त्री ने ये कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास का फैसला पूरी तरह उनका है, ना ही कोई चयनकर्ता उन्हें रोक सकता है और ना ही टीम मैनेजमेंट उन्हें रोक सकता है। ऐसे में धोनी के संन्यास को लेकर अब सौरव गांगुली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, खबरों की माने तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद पर कार्यरत हुए सौरव गांगुली ने साफ कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम से ड्रॉप नहीं किया गया है, उनकी वापसी जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी को हम विश्व कप 2020 के लिए बचा कर रख रहे हैं। दादा ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी और अगर ऋषभ पंत और संजू सैमसन फेल होते हैं तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की वापसी जरूर होगी। यानी कि अब दादा ने अल्टीमेटम चयनकर्ताओं को तो दे ही दिया है, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब महेंद्र सिंह धोनी 2020 विश्व कप में तो खेलेंगे ही, अगर धोनी संन्यास लेते भी हैं तो 2020 विश्व कप के बाद ही धोनी अपने संन्यास का ऐलान करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की वापसी आखिरकार कब होती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।